नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम सीखेंगे मैक्रोमीडिया फ्लैश के अंदर सीनरी में रेड लाइट लगा के हम किस तरीके से एनिमेशन दे सकते हैं। चलो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ, बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल एन से एक न्यू पेज लेंगे। ओके, उसके बाद आपको फाइल में जाना है, इम्पोर्ट टू स्टेज। यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड मार रखी है सीनरी से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करता हूँ। ओपन टूल लेना है आपको यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म, यहाँ से आपको टूल सेलेक्ट करना है फ्री ट्रांसफॉर्म, और इस तरीके से आप अपनी फोटो को मैनेज कर सकते हैं। मैं टाइमलाइन सेट करता हूँ, पहले थोड़ा दिख नहीं रहा, फोटो को मैंने यहाँ पे सेट करा, ठीक है, प्रॉपरली सेट हो चुकी है। इसका मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है सीन, या बैकग्राउंड भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ से एक न्यू लेयर इंसर्ट किया, इसका मैंने नाम डिफाइन कर दिया पॉल, क्योंकि हम यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, रेड लाइट के लिए पॉल क्रिएट करना है। तो यहाँ से आपको लेना है रेक्टेंगल, जैसे ही आप रेक्टेंगल को सेलेक्ट करोगे तो नीचे ऑप्शन होता है सेट कॉर्नर रेडियस, यहाँ पे जाकर के आप रेडियस को डिफाइन करोगे। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 8 या 10, अपने हिसाब से आप राउंड शेप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर, ठीक है, फ्री ट्रांसफॉर्म, इस पूरे को सेलेक्ट करना है। इसका जो आउटलाइन कलर है उसको नन कर देना, और जो फिल कलर है उसको आप ब्लैक कर देना, ठीक है। इसको उठा के हम अपने रोड के ऊपर, पेज के ऊपर, सीनरी के ऊपर ला के रख देंगे, ठीक है दोस्तों। सेट कर लेते हैं इसको, फिर आपको न्यू लेयर लेना है, इसका नाम मैंने डिफाइन कर दिया रेड लाइट। एक सर्कल लेने, एक सर्कल को ड्रॉ कर, इसके अंदर जो कलर है वो कर देना व्हाइट। फ्री ट्रांसफॉर्म उठाना है, इसको पेज पे लगा ड्रॉ, इसके साइज को मैनेज करना है आपको। फिर कंट्रोल सी होता है कॉपी, कॉपी करना, एक लेयर इंसर्ट करना, इसका नाम डिफाइन कर देना येलो, इसको हम डिफाइन करेंगे कंट्रोल बी पेस्ट। फिर हमने एक और यहाँ से लेयर इंसर्ट किया, इसका नाम डिफाइन किया मैंने ग्रीन लाइट, कंट्रोल बी पेस्ट, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, ज्यादा ही नीचे चला गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है आपको, मैं टाइमलाइन फ्रेम को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आता हूँ, मुझे दिख सके। फिर हमने यहाँ से न्यू लेयर इंसर्ट किया, इसका नाम डिफाइन कर दिया मैंने ज़ेवलॉन क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ से लेना है आपको लाइन, लाइन का कलर रखना है आपको व्हाइट, और फिल कलर कर देना है नन, एक लाइन को आप ड्रॉ कर सकते। फ्री ट्रांसफॉर्म, आपको लाइन पे क्लिक करना है, फिर नीचे जाना है, प्रॉपर्टी सेक्शन होता है नाम, विंडोज में जाओगे आप, विंडोज में ऑप्शन होगा ये प्रॉपर्टी, क्लिक करते ही वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम चलते हैं नीचे प्रॉपर्टी के अंदर, अभी लाइन मेरी सिलेक्ट नहीं है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी नहीं ओपन होगी। देखो लाइन पे क्लिक करोगे तब डिस्प्ले करेगा, क्लिक, यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो कर देनी है आपको 5, सॉलिड पे जाना है, यहाँ से आपको ले लेना है डास, डास बोलते हैं इसको, स्टाइल को क्लिक कर, ये ज़्यादा ही हमने राइट में कर दिया, इसको थोड़ा सा लेफ्ट में ले लेते हैं, राइट लाइट के थोड़ा सा इसको हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और मैंने लेयर इंसर्ट किया, इसका नाम डिफाइन कर दिया कार, इसका हमें कार इंसर्ट करना है। फिर फाइल में जाना है, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट टू स्टेज, यहाँ से हमने गाड़ी सेलेक्ट की ब्लू वाली, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्लिक, गाड़ी को हमें पेज से बाहर रखना है, गाड़ी को पेज से
कहाँ रखोगे, अपने अकॉर्डिंग आपको गाड़ी की साइज मैनेज करनी है, कितनी हाइट कितनी वेट देनी है आपको, ठीक है। अब आते हैं अपने टाइम में। सबसे पहले जो हमारा ग्रीन वाला सेक्शन है, ग्रीन वाला ओवल है, उसको क्लिक करना है, फिल के अंदर फिल कर देना आपको ग्रीन कलर। टाइमलाइन लिया मैंने 15:06। ठीक है, गाड़ी पे क्लिक करा, गाड़ी को मूव कर लेते हैं आगे की तरफ, थोड़ा सा और आगे किया मैंने, इसको भी टाइमलाइन बढ़ा करके F6 कर दिया। गाड़ी को फिर हमने आगे मूव किया, वन टाइम में मैं मूव नहीं करता, गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये जो मैंने टाइमलाइन दी है, इस पूरे को थोड़ा सा और डिस्टेंस पर सबको एक साथ सेलेक्ट कर, मैंने 30 के बीच गाड़ी को और मूव कर लेता हूँ। ठीक है, ये पूरा ग्रीन सेक्शन चलेगा मेरा। फिर मैंने 40 की रेंज को सेलेक्ट किया टाइमलाइन को F6। अब जो हमारा येलो है, क्लिक लास्ट एंड पे क्लिक करना है, येलो वाले में आपको कलर फिल कर देना है येलो, ग्रीन वाले में से आपको कलर हटा देना है, उसमें कर देना है आपको वाइट, और गाड़ी को करना है। ठीक है, मैंने 50 के रेंज पे लिया F6, सेम डायरेक्शन में गाड़ी जाएगी हमारी। F6 गाड़ी हमारी होल्ड हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो हम चलते हैं टॉप वाले पे, इसको कर देंगे रेड, येलो वाले पे क्लिक करके इसको कर देंगे हम वाइट, और गाड़ी को थोड़ा सा आगे जाके हम स्टॉप। ठीक है, जो गाड़ी है उसमें हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके क्रिएट मोशन दे देते हैं, कंट्रोल एंटर करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा प्रॉपरली ठीक है। अब गाड़ी को थोड़ा और आगे हमें चलाना है रेड लाइट को रोक करके, तो 75 पे गए F6, गाड़ी हमारी होल्ड रहेगी, कंट्रोल एंटर करते हैं। हमने गाड़ी को कुछ देर तक रोका है रेड लाइट के ऊपर, ये गाड़ी हमारी रुक चुकी है। ठीक है, अब गाड़ी को हमें आगे चलाना है, तो हम 85 पे लेते हैं F6, जो आपका रेड वाला है इसको सिलेक्ट करना है, इसको कर देना है वाइट, जो आपका लास्ट ग्रीन वाला है उसको वापस सिलेक्ट करके आप ग्रीन कर, तो गाड़ी पे क्लिक करके आप इसको आगे की तरफ मूव कर। अभी गाड़ी आपको रेड लाइट के ऊपर से जाती हुई दिख रही है क्योंकि मैंने लेयर्स को सेलेक्ट नहीं किया हुआ। कंट्रोल एंटर करते हैं, पहले हम देख लेते हैं परफेक्टली चल रही है नहीं चल रही है हमारी। अब यहाँ पे क्या, गाड़ी पहले चली गई है, रेड लाइट हमारी बाद में, तो उस चीज़ को मैनेज करते हैं। हमारी रेड लाइट है, तो यहाँ पे हमारा क्या रेड है यहाँ पे हमारे पास, तो ये जो हमने गाड़ी को रन किया है पहले इस सेक्शन को पूरे को हम रिमूव कर लेते हैं, Shift F5 यहाँ पे रख के गाड़ी को F6 करते हैं, गाड़ी यहीं पे होल्ड है, देख लो आप एक ग्रीन हुई लेकिन गाड़ी रन नहीं हुई, तो हमने यहाँ पे 100 के टाइमलाइन पे रखा F6, फिर आपको गाड़ी पे क्लिक करना है, गाड़ी को मूव करा देना। कंट्रोल एंटर, देख लो एक बार आप इस तरीके से आपकी गाड़ी एनिमेट हो रही है, चल रही है। ठीक है, अब हम लेयर्स को सेट करते हैं। ये जो गाड़ी है हमारी कार, इसको हमें रखना है अपने जेब्रा क्रॉसिंग को, पहले आप नीचे ले गए हो कार को जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर, कंट्रोल एंटर। अब क्या हमारे पास गाड़ी को हमें और नीचे सीनरी के जस्ट ऊपर रखना,
देखते हैं। अब जो हमारा जेब्रा क्रॉसिंग है वो हमारी गाड़ी के ऊपर आ रहा है, तो जेब्रा क्रॉसिंग के जो लेयर है उसको उठा के गाड़ी के नीचे को, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी येलो लाइन, गाड़ी को थोड़ा सा मूवमेंट देखना है आपको, गाड़ी यहाँ से फास्ट चली फिर एकदम से स्लो हो गई, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी कम्प्लीटली रेड लाइट क्रिएट हो चुकी है। किस तरीके से हम रेड लाइट एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं एड हॉक या मैक्रो मीडिया फ्लैश के अंदर, बहुत ही इजी स्टेप्स है। दोस्तों आप मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।